साधना के नवम दिवस नौवें दिन में आप सभी श्रद्धालु भक्तजनों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आइए आज की मानस साधना को श्रवण करने से पूर्व प्रभु श्री सीताराम जी के पावन श्री चरण कमलों में प्रणाम करें और आज के कुछ विशेष बातों का श्रवण लाभ लें। लेत सदा सुधि दीन की सहज कृपा के धाम, जननी जनक इस दास के प्रभु श्री सीताराम। तुलसीदास जी के पद कमल वारंबार मनाय, गुण गावहु सियाराम को हनुमत हो सहाय। बोलिए श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय। कल आप सभी को मैंने यज्ञ के महत्व को बताया था कि यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ कराना चाहिए, और ना कर सकते हैं ना करा सकते हैं तो हमारे शहर के, गांव के, नगर के आसपास यदि कोई यज्ञ आदि का कर्म हो रहा हो तो वहां पर जाकर के शरीर से, मन से और तन से या धन से अपना सहयोग समर्पित करना चाहिए। धन से कर सकते हैं तो ठीक है, और धन में सामर्थ्यवान नहीं है तो मन से करें, तन से करें, यज्ञ मंडप की साफ सफाई करें, और भी बहुत से काम होते हैं। शास्त्र कहते हैं एक बार गंगा मैया से पूछा गया कि मां, न जाने कितने पापी, सैकड़ों लाखों करोड़ों पापी नित्य आप में आकर के स्नान करते हैं, आप के जल में अपने पापों को छोड़ के चले जाते हैं, तो मां आप अपने वे पाप कहां पर जाकर के छोड़ती हैं? मां गंगा बहुत सुंदर उत्तर देती हैं कि जहां पर भी यज्ञ का कर्म होता है वहां पर मैं जाकर के झाड़ू लगाती हूं, झाड़ बुहार करती हूं, और झाड़ू लगाने से यज्ञ क्षेत्र की जब धूल उत्पन्न होती है और धूल जब मेरे शरीर पर पड़ती है तो उस धूल से मेरे जो पाप हैं वे तुरंत नष्ट हो जाते हैं, मैं अपने पाप ऐसे धोती हूं। इसलिए भारत के ऋषि मुनियों ने यज्ञ की बड़ी सुंदर परंपरा बनाई, यज्ञ में सहयोग करें तन से, मन से, धन से, जैसे भी बने। तो कल आप लोगों ने श्रवण किया था कि दशरथ जी के यहां तीन रानियां और तीनों निसंतान गुरुदेव के चरणों में जब अपनी समस्या रखी, समाधान करते हुए गुरुदेव ने श्रृंगी ऋषि को बुलाने के लिए कहा, गुरुदेव की आज्ञा सिरोधार्य करके राजा दशरथ स्वयं एक भिक्षुक की भांति जाकर के श्रृंगी ऋषि को लेकर के आए। पुत्र कामेष्ठी यज्ञ हुआ,
यज्ञ जब पूर्ण हुआ तो उस यज्ञ के पूर्ण होने पर अग्नि नारायण स्वयं प्रसाद लेकर के प्रकट हुए, खीर। और प्रसाद जब लेकर के प्रकट हुए तो आधा भाग दिया गया माँ कौशल्या को, फिर जो आधा बचा उसके दो भाग हुए, आधे का आधा केकई को, आधे का भी आधा जो बचा उसके दो भाग हुए, एक केकई और एक कौशल्या को दिया। तब दोनों रानियों ने वह भाग अपने हाथों से मां सुमित्रा को खिलाया और अपना अपना प्रसाद पाया। प्रसाद पाकर के रानियों को ऐसा लगा कि हम गर्भवती हो गए हैं। वैसे तो देव शक्तियों का जन्म नहीं होता, देव शक्तियां अवतार लेती हैं, प्रकट होती हैं। हम कहते हैं ना, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, प्रकट होती है। लेकिन एक सामान्य भाषा में समझाने की शैली में कह दिया जाता है कि जन्म हुआ। तो जब रानियों ने प्रसाद पाया तो रानियों को लगने लगा कि हम गर्भवती हो गए हैं। और जिस दिन से रानियों को ये लग रहा है कि हम गर्भवती हो गए हैं, रामचरितमानस में एक बहुत सुंदर भाव आता है। पूज्यपाद बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, जा देन ते हरी गर्भ ही आए, शकल लोक सुख संपत्ति छाए। जा देन ते हरी गर्भ ही आए, शकल लोक सुख संपत्ति छाए। रानियों ने प्रसाद पाया और रानियों को ऐसा लगने लगा मानो हम गर्भवती हो गए, हमने गर्भ धारण कर लिया। और जिस दिन से रानियों को ये लगने लगा है, उस दिन से अयोध्या का जो वातावरण है वो बड़ा ही सुगंधित हो गया, बड़ा ही सुरम्य हो गया, रम्य हो गया, रमणीक हो गया, पावन हो गया, पवित्र हो गया। सकल लोक सुख संपत्ति छाए, तीनों लोक सुख संपत्ति से भर गए। और नदियों में अमृत की जगह, नदियों में जल की जगह अमृत बहने लगा। वृक्षों में नए नए पत्ते आने लगे, सुंदर सुंदर फल आने लगे, मीठे मीठे बिना ऋतुओं के। शीतल मंद सुगंध वायु का पावन वेग प्रवाहित होता है। अयोध्या के हर घर में भक्ति शक्ति मुक्ति रिद्धियां सिद्धियां प्रवेश कर गई जिस दिन प्रभु मां के गर्भ में आए। मानस में बाबा तुलसी ऐसा वर्णन करते हैं। बाबा जी लिखते हैं, इस तरह से समय बीतता गया और फिर वह शुभ घड़ी अयोध्या में आई जब प्रभु श्री राम का चारों भाइयों सहित अयोध्या में जन्म हुआ। मानस में बाबा तुलसी लिखते हैं, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। बाबा जी लिखते हैं, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, दिन के 12 बजे, ना ज्यादा धूप है ना ज्यादा छांव है, मध्य दिवस, दिन का मध्य भाग है। और ऐसे शुभ समय में इस संसार को आराम देने वाले, इस संसार को विश्राम देने वाले, इस संपूर्ण संसार को सुख प्रदान करने वाले प्रभु इस पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। देखिए, नौमी तिथि जो है
वो बड़ी शुभ तिथि है। आप सभी जानते होंगे कि 9 को अक्षय अंक कहा जाता है। 9 को अक्षय अंक कहा जाता है। 9 का पहाड़ा हम कितने बार भी क्यों ना पढ़ लें, और जो उत्तर आएगा उसको यदि आपस में जोड़ दिया जाए तो 9 ही बनता है। कहते हैं ना, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 8 और 1 9, 9 तिया 27, 7 और 2 9, 9 चौके 36, 3 और 6 9। ऐसे आप पढ़ते जाइए और जोड़ते जाइए, 9 ही आना है, क्योंकि 9 का अंक पूर्णांक है। तो जो पूर्ण ब्रह्म है, जिन्हें ईशावास्योपनिषद में कहा गया है, पूर्ण मदहा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादायो पूर्णमेवावशिष्यते, जो पूर्ण ब्रह्म है, वे तिथि भी ऐसी चुनी, पूर्णांक 9वीं तिथि के दिन, बड़ी शुभ तिथि है। 9वीं तिथि के दिन भगवान चैत्र मास, चैत्र का महीना है, चैत्र मास है शुक्ल पक्ष, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में तिथि 9वीं है, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में 9वीं तिथि के दिन 12 बजे दिन में प्रभु इस पृथ्वी पर आते हैं। भगवान इस पृथ्वी पर आए, तो जब भगवान आए मां कौशल्या के कक्ष में, और मां कौशल्या ने जब देखा तो मां कौशल्या ने भगवान के विराट स्वरूप को देखा है। चतुर्भुजाएं हैं प्रभु की, चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि धारण किए हैं, शरीर से दिव्य तेज निकल रहा है। माँ कौशल्या ने जब भगवान के स्वरूप को देखा तो कौशल्या मैया थोड़ी सी भयभीत हो गई, क्योंकि देखती है ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, भगवान के जो रोम छिद्र हैं उनसे वेदों की ध्वनियां निकल रही हैं। बड़ा अद्भुत स्वरूप, घबरा गई कि ये क्या है। तो भगवान कहते हैं कि माँ मैं आ गया, मैंने आपको वचन दिया था आपका पुत्र बन के आऊंगा तो मैं आ गया। तो माँ कौशल्या कहती है कि प्रभु एक बार थोड़ी अपने आप को देखिए कि आप पुत्र बन के आए हैं या आप पिताजी बन के आए हैं। आपके रूप स्वरूप से तो आप पिताजी जैसे लग रहे हैं, बेटे जैसे तो कहीं नहीं लग रहे। यदि बेटा बनना है तो थोड़ी छोटे हो जाओ, ठीक है थोड़ी छोटे हो गए, अब ठीक और छोटे हो जाओ, अब ठीक नहीं, तो कितना छोटा, कहा उतना छोटा हो कि आप मेरी गोद में समा जाओ। और भगवान फिर उतने छोटे हुए कि माँ की गोद में समा गए। देखिए, मात्र शक्ति वह शक्ति है कि ब्रह्म को भी माँ की गोद के आकार का होना पड़ता है। कहा जाता है कि ब्रह्म अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, अगुण अमान रूप असजोई, जो अगुण भी है सगुण भी है निर्गुण भी है सगुण भी है निराकार भी है साकार भी है, जो इतने बड़े हैं कि सैकड़ों समुद्रों में भी समाहित नहीं हो सकते पर सैकड़ों समुद्र उनमें समाहित हो जाते हैं, इतने बड़े भगवान। विष्णु पुराण कहती है एकानेक स्वरूप आयो स्थूल सूक्ष्मात्मने नमः अव्यक्त व्यक्त रूप आयो विष्णवे मुक्ति हेतवे, इतने बड़े। देखा जाए तो एक है पर एकानेक स्वरूप आयो, अनेक स्वरूपों में विद्यमान स्थूल सूक्ष्मात्मने नमः, कभी स्थूल बहुत बड़े दिखाई देते और कभी सूक्ष्म बहुत सूक्ष्म दिखते हैं। अव्यक्त व्यक्त रूप आयो, वही कारण बन जाते हैं वही कार्य बन जाते हैं। तो आज मात्र शक्ति को तो देखो, भगवान ने भी यहां बता दिया
कि माँ जो है मातृशक्ति, वो इतनी बड़ी शक्ति है कि माता के सामने ब्रह्म को भी माँ की गोद के आकार का होना पड़ता है। भगवान माँ कौशल्या की गोद में आ गए इतने छोटे हो। अब ठीक बिल्कुल नहीं, क्यों कहा, जब बच्चों का जन्म होता है तो उनके चार हाथ नहीं दो हाथ होते हैं, चार में तो आप असामान्य ही लगेंगे। चलो भगवान ने कहा मैं दो करता हूँ, दो हाथ हो गए। अब ठीक का भी कमी है, कमी क्या, कहा जब बच्चों का जन्म होता है तो जन्म लेते ही वे रोते हैं आपकी तरह बड़ों बड़ों जैसे बातें नहीं करते, तो रोइए रो। अब भगवान ने कहा कि मैं कोई संसारी थोड़ी हूं कि रोऊं, या मेरे जीवन में किसी प्रकार का कष्ट थोड़ी है कि मैं रोऊं, ना मैं संसारी हूं ना मुझे कोई कष्ट है, तो फिर मैं क्यों रोऊं। माँ कौशल्या कहती है कि प्रभु आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं है, लेकिन आपके भक्तों पर, संतों पर, गौ माता पर, ब्राह्मणों पर बहुत बड़ा कष्ट आ गया है, और अपने भक्तों के कष्टों को देख करके रो। और जब माँ कौशल्या ने ऐसा कहा उस समय प्रभु ने बड़ी जोर जोर से रुदन करना प्रारंभ किया है, और जब जोर जोर से रोए तो सुनी शिशु रुदन परम प्रिय वाणी, सम भ्रम चली आई सब रानी। जैसे ही रोना शुरू किया किलकारियों की गूंज सारे महल में गूंज गई, और उस आवाज को सुनकर के सभी रानियां दासियां समझ गई कि माँ कौशल्या ने संतान को जन्म दिया है, और दौड़ते भागते हुए माँ कौशल्या के कक्ष में सभी चली आई। जब आकर के देखा तो माँ कौशल्या के बाजू में एक बहुत सुंदर तेजस्वी बालक लेटा है, परम सुंदर है, और जोर जोर से किलकारियां दे दे करके जो रुदन कर रहा है। भागते हुए दासियां राजा दशरथ के पास पहुंचती हैं, बधाई देती हैं कि आपको एक पुत्र की प्राप्ति हुई है। कुछ समय के बाद माँ केकई को एक पुत्र और माँ सुमित्रा ने दो पुत्रों को एक साथ जन्म दिया है। अयोध्या, जिस अयोध्या में एक भी संतान नहीं थी, आज उस अयोध्या में चार चार पुत्र आ गए एक साथ। और जब चार चार पुत्र एक साथ आए तो राजा दशरथ की खुशी का ठिकाना नहीं। मानस में बाबा तुलसी लिखते हैं, दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मानहु ब्रह्मानंद सम। तो बाबा तुलसी लिखते हैं कि राजा दशरथ को ब्रह्म सुख की प्राप्ति हुई, और दुख की अपेक्षा सुख का समय बहुत जल्दी निकलता है, सुख की अपेक्षा आनंद का समय और जल्दी निकलता है, आनंद की अपेक्षा परमानंद का समय तो पता ही नहीं चलता, और जब ब्रह्म सुख जीवन में प्राप्त होता है तो समय का ज्ञान भी नहीं रहता। मानस में बाबा तुलसी लिखते हैं, मास दिवस का दिवस भा मरम न जाने कोय, रथ समेत रवि था केऊ निशा कवन विधि हो। जब राम जी अयोध्या में आए उस दिन मास दिवस का दिवस भा, 30 दिन का एक दिन हुआ, और यह बात कोई नहीं जानता था, यह बात केवल सूर्य नारायण जानते थे, क्योंकि रथ चलाते चलाते थक गए थे और सोच रहे थे कि रात्रि कब होगी, निशा कब होगी। ये ब्रह्म सुख है कि 30 दिन में यूं बीत गए, जैसे कि बस अभी तो एक दिन ही हुआ है। इस तरह से प्रभु का जन्म हुआ है, दशरथ जी राजा दशरथ को बधाइयां बांटी गई, सारे अयोध्यापुरी में उत्सव मनाया गया, राम जन्मोत्सव, चार चार भाइयों का आना हुआ है, और समय बीतता गया, राजा दशरथ बड़े हुए, गुरु वशिष्ठ जी ने नामकरण संस्कार कराया। बाबा तुलसी मानस में लिखते हैं, नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोली पटियो मुनि ज्ञानी, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपास।
गुरु वशिष्ठ ने नामकरण संस्कार कराया और कहा कि ये जो राजन, ये जो आपका पहला पुत्र है, आनंद का सिंधु है, आनंद का समुद्र है, आनंद का भंडार है, आनंद का खजाना है, आनंद को देने वाला है, इसलिए इसका नाम है राम, ये राम कहलाएंगे। दूसरे पुत्र का नाम रखा भरत, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। संसार का भरण पोषण करेंगे इसलिए भरत। तीसरा पुत्र जाके सुमिरन तेर पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। इनके नाम का जो लोग स्मरण करेंगे उनके शत्रु भाग जाएंगे। और अंत में लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। अब प्रश्न ये उठता है कि नामकरण गुरु से क्यों कराया, खुद कर लेते। राजा दशरथ स्वयं चक्रवर्ती सम्राट थे, तीन तीन रानियां थी, ज्ञानी थे दशरथ, रानियां भी बुद्धिमान थी, तो स्वयं क्यों नहीं किया। स्वयं इसलिए नहीं किया क्योंकि पूर्व समय से ये परंपरा चली आ रही है, जब बालक और बालिका का नामकरण संस्कार अपने गुरुदेव या अपने कुल पुरोहित या अपने आचार्य के द्वारा जब कराया जाता है, तो बालक या बालिका को हाथ में लेकर के वे उसके शरीर की बनावट को देखते, उसके नेत्रों को, उसके गालों को, उसके कन्नों को, उसकी छाती को, उसकी ओजस्विता को, और फिर जो नाम वे दे देते हैं वैसे गुण संतान में स्वतः आ जाते हैं। इसलिए नामकरण अपने गुरुदेव से, पंडित जी से, पुरोहित से, और ये इन सभी से ना कराना हो तो अपने घर के किसी बड़े बुजुर्ग से कराएं। और यदि स्वयं भी नाम रख रहे हैं तो बड़े सोच समझ के नाम रखें, क्योंकि नाम का प्रभाव बालक और बालिका के मन मस्तिष्क पर पड़ता है। धन्य है गुरु वशिष्ठ, राम का नाम राम, भरत का नाम भरत क्यों रखा। भरत का नाम राम रख देते, भरत का नाम भरत रखा, विश्व भरण पोषण कर जो, ये विश्व का भरण पोषण करेगा इसलिए भरत है। अब आप सोचो कि विश्व का भरण पोषण कौन करता है, राजा करता है। मतलब गुरु वशिष्ठ जानते थे कि राजा तो भरत ही बनेंगे, पालन पोषण करने वाले भरत ही हैं, क्योंकि राम यदि राजा बन गए तो केवल अयोध्या को सुख प्रदान करेंगे, यदि और यदि राम अयोध्या से निकलते हैं तो सारे संसार को सुख प्रदान करेंगे। राम सुख देने आए हैं, क्योंकि राम सुख के सिंधु हैं, सुख के समुद्र हैं, सुख के सागर हैं, सुख के जल निधि हैं, नीर निधि हैं राम। इसलिए नाम रखा राम, ये राजा नहीं बनेंगे, ये सुख देने आए संसार। और विश्व भरण पोषण, ये जो भरत है ये भरण पोषण करने वाले हैं, ये राजा बनेंगे। बाद में तो ये भरत जी की ही महानता थी, राज्य तो नहीं मिला कि राज्य राम जी के चरणों में समर्पित कर दिया। नाम भरत शत्रुघ्न, शत्रुओं के ऊपर नाम घन की तरह कार्य करेगा। लक्ष्मण, तो लक्ष्मण जी के लिए कहा गया कि जिसने अपने जीवन का लक्ष्य ही राम जी के चरणों की सेवा को बना दिया, वो लक्ष्मण। जो अपने लक्ष्य पर अडिग है, जो गुणों का धाम है, राम का प्रिय है, इसलिए इसका नाम लक्ष्मण। मानस में बाबा तुलसी लिखते हैं, धरियु नाम गुरु हृदय विचारी, वेद त्रितत्व नृप तव सुतचारी। नामकरण संस्कार राम भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न का वशिष्ठ जी करते हैं। नामकरण के पश्चात समय बीता, कुछ लीलाएं राम जी ने की, बड़े हुए। दशरथ जी को लगा शिक्षा की परम आवश्यकता है, इसलिए कुल गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में शिक्षा प्राप्ति के लिए भेजा। मानस पे बाबा तुलसी लिखते हैं कि गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या शब पाई। गुरुकुल में जाकर के बड़े कम समय में राम जी शस्त्र और शास्त्र विद्या से निपुण होकर के
लौटे। देखिए शिक्षा का मानव के जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। कहते हैं एक राजा का पूजन केवल उसके राज्य में होता है, लेकिन एक विद्वान का पूजन वो जहाँ पहुँच जाए उसकी विद्वता के कारण वहाँ किया जाता है। तो शिक्षा का बड़ा महत्व है। राम जी स्वयं परम ब्रह्म है, पार ब्रह्म परमेश्वर है, पूर्ण कलाओं से युक्त है, पूर्ण ब्रह्म है। वे पूर्ण ब्रह्म भी शिक्षा प्राप्ति के लिए जाते हैं और शिक्षा के महत्व को यहाँ पर बाबा जी बताते हैं। शिक्षा प्राप्त करने के लिए चारों भाई पहुँचे, गुरु सेवा की, गुरुजनों की सेवा की, शिक्षा अध्ययन किया, शिक्षा प्राप्त की और शिक्षा प्राप्त करने के बाद राम जी वापस अयोध्या आए। यहाँ विश्वामित्र जी, आप सभी जानते हैं कि उस समय राक्षसों का बड़ा अत्याचार चारों तरफ फैल रहा था। विश्वामित्र जी दशरथ जी के पास राम और लक्ष्मण को मांगने आते हैं। दशरथ जी मना करते हैं, पर वशिष्ठ जी के समझाने पर विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण को जाने की आज्ञा देते हैं। यहाँ राम और लक्ष्मण दोनों भाई विश्वामित्र जी की यज्ञ रक्षा के लिए अयोध्या से आश्रम की ओर प्रस्थान करते हैं। आज की मानस साधना को मैं यही प्रभु के चरणों में समर्पित करती हूँ। आगे पुनः कल आपके सामने मानस साधना को लेकर के आऊंगी। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।